रीकैप, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि भेड़िया मानव वाणी और नील को जान से मारने वाला होता है कि तभी आयुष काल चक्र की किताब की मदद से वहां पहुंच जाता है और अपनी कटार से भेड़िया मानव के दो टुकड़े कर देता है। वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए कबीले की तरफ भागते हैं, लेकिन तभी सामने से कबीले वाले और अनामिका उन पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। अब आगे कबीले वालों के हाथों में जलती हुई मशाले देखकर तीनों समझ जाते हैं कि अब उनके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं है, कबीले की तरफ तो हरगिज नहीं। इसीलिए वो तीनों उल्टे पांव जंगल की तरफ भागते हैं। आयुष्मान चिल्ला कर कहता है, अनुरागिनी ने कबीले वालों को हमारे खिलाफ भड़का दिया है। ऐसा लगता है कि ये लोग हमें जिंदा ही चलाना चाहते हैं। जल्दी करो, जंगल की तरफ चलो। भागते भागते नील कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, जंगल की तरफ भागे? अभी तुमने देखा ना, जंगल में हमें भेड़िए मिलेंगे। समझ नहीं आ रहा क्या करें, एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई, लगता है आज तो हम तीनों की मौत पक्की है। आयुष ने भागते भागते जवाब दिया, घबराओ नहीं, जंगल में पहुंचकर हम कोई ना कोई बचने का रास्ता निकाल लेंगे। हाँ, इन कबीले वालों के हाथों जिंदा जल जाने से बेहतर है कि भेड़िए हमें नोच कर खा जाएं। वैसे तुम मुझ पर विश्वास रख सकते हो, ये कटार हम सबकी रक्षा करने में मदद करेगी। वन्यवती बेहद घबराई हुई थी, वो हाँफते हुए बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है आयुष्मान। आयुष्मान ने वन्यवती का हाथ पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है वन्यवती, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मेरा विश्वास करो और जितनी तेजी से भाग सकती हो भागती रहो और पलट कर मत देखना। अपनी जान बचाने के लिए वो तीनों जितनी तेजी से भाग सकते थे भाग रहे थे। कबीले वाले अभी भी उनके पीछे ही आ रहे थे और अनामिका अर्थात अनुरागिनी उनके आगे चल रही थी। अनुरागिनी मुस्कुराते हुए मन ही मन बोली, आज तुम्हारे पास वन्यवती को बचाने का कोई रास्ता नहीं है आयुष, जंगल की तरफ भागकर तुम अपनी मौत को दोहरी दावत दे रहे हो। इसके बाद अनुरागिनी अचानक भीड़ से गायब हो गई थी और वो सीधे जंगल में जाकर खड़ी हो गई थी। उसने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके वहां के भेड़ियों को अपने वश में कर लिया था और उन तीनों पर हमला करने के लिए तैयार कर लिया था। वन्यवती की कुटिया कबीले के बाहर बनाई गई थी, वहां से जंगल बस कुछ ही दूरी पर था, इसीलिए थोड़ी ही देर में तीनों भागते भागते जंगल तक पहुंच चुके थे। वो जानते थे कि जंगल खतरे से खाली नहीं है, मगर फिर भी उन्होंने जंगल में घुसने की कोशिश की, लेकिन कुछ कदम ही अंदर जा पाए थे कि अचानक अनुरागिनी यानी अनामिका के माया जाल से शापित हो चुके जंगली भेड़िए वहां उनके स्वागत में पहले से खड़े थे। नील चिल्लाया, मैंने जैसा सोचा था वही हुआ ना आयुष्मान, अब बताओ क्या करेंगे, इतने सारे भेड़ियों से तो तुम अपनी तलवार से भी एक साथ नहीं लड़ पाओगे। वन्यवती भेड़ियों को देखकर एक बार फिर बेहद घबरा गई थी, वो फूट फूट कर रोने लगी और आयुष्मान के सीने से चिपक गई। आयुष्मान कुछ सोचते हुए बोला, घबराने से या रोने से इस समय कुछ नहीं होगा, हम आगे नहीं जा सकते और ना ही पीछे जा सकते हैं, हर तरफ मौत हमारी प्रतीक्षा कर रही है, अब हम लोगों के पास एक ही रास्ता है, हमें दक्षिण पूर्व दिशा में जाना होगा जहाँ पर कभी कोई कबीला वासी नहीं जाता, लेकिन वहां पर हमें कोई छू भी नहीं पाएगा। इस पर घबराए हुए नील ने खुद को संभालते हुए कहा, दक्षिण पूर्व दिशा में क्या है, वहां ऐसा क्या है जो हमारे प्राणों की रक्षा कर सकता है? तभी आयुष्मान ने दक्षिण पूर्व दिशा की ओर भागते हुए कहा, मेरे पीछे आओ, तुम यहाँ नए हो इसीलिए नहीं जानते, लेकिन वन्यवती जानती है, इस कबीले का हर इंसान जानता है, उस दिशा में एक महान ऋषि द्वारिकानाथ रहते हैं, अब वही हमें शरण दे सकते हैं, वही हमारे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। तभी वन्यवती ने रोते हुए कहा, तुम जानते हो ना ऋषि द्वारिकानाथ बेहद क्रोध वाले हैं, मुझे तो डर लग रहा है कि इन लोगों से पहले कहीं वो ही हमें भस्म ना कर दे, क्योंकि उन्हें अपनी सीमा में किसी भी कबीले वासी का प्रवेश स्वीकार्य नहीं है। आयुष्मान ने भागते भागते कहा, कबीले वाले अत्यंत समीप आ गए हैं, सोचने का वक्त नहीं, वहाँ चलकर देखेंगे क्या होगा। कुछ ही दूरी पर ऋषि द्वारिकानाथ का आश्रम था, जिसे द्वारिका आश्रम कहते थे। तीनों दौड़ते हुए आश्रम की सीमा में घुस गए। उनके आश्रम की सीमा में पांव रखते ही समाधि में लीन द्वारिकानाथ ऋषि ने अपनी आंखें खोल ली थी।
उनकी तपस्या भंग हो चुकी थी और उन्हें अपने स्वभाव के अनुसार बहुत ज्यादा क्रोध आने लगा था। ये दुष्ट कबीले वाले कभी नहीं मानते, आज इनको भस्म कर दूंगा। कबीले वाले भी उन तीनों के पीछे पीछे द्वारिका आश्रम की सीमा को पार कर चुके थे। अचानक भागते भागते वन्यवती जमीन पर गिर गई, इसीलिए दोनों को उसे उठाने के लिए रुकना पड़ा। अब कबीले वाले बेहद करीब आ चुके थे और उन दोनों पर मशाले फेंकने लगे थे। तभी वहाँ ऋषि द्वारिका नाथ आते हैं और अपनी तंत्र शक्ति से उन मशालों को बुझा देते हैं और कबीले वालों पर चिल्लाते हैं, जलाकर भस्म कर दूंगा अगर किसी ने मेरी सीमा में पैर रखा। ऋषि द्वारिका नाथ को देखते ही गांव वाले उल्टे पांव वापस लौट जाते हैं। भीड़ में खड़ी अनामिका अर्थात अनुरागिनी असहाय देखती रह जाती है। वो जानती थी कि वो उस ऋषि की शक्तियों से लड़ नहीं पाएगी। अनामिका ने मन ही मन कहा, इस ऋषि की सीमा में मेरी शक्तियां काम नहीं करेंगी, इसके लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। इतना सोचते हुए अनामिका कबीले वालों के साथ वहां से वापस लौट जाती है। आयुष्मान, वन्यवती और नील हाथ जोड़कर ऋषि के सामने खड़े हुए थे। ऋषि गुस्से में चिल्लाकर कहते हैं, कौन हो तुम लोग और ये कबीले वाले तुम्हें मारना क्यों चाहते थे? उधर कबीले में सरपंच अपने बेटे आयुष्मान और वन्यवती को लेकर काफी चिंतित थे। उनका भेजा हुआ घुड़सवार वापस आ चुका था। वो घुड़सवार से बड़ी बेचैनी के साथ पूछते हैं, तुमने आने में बड़ा समय लगा दिया घुड़सवार, वन्यवती को हमारा संदेश तो दे दिया था ना? घुड़सवार ने सर झुकाते हुए कहा, क्षमा करें महाराज, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सरपंच ने गुस्से में चिल्ला कर कहा, देर हो चुकी थी से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? खुलकर बताओ हमें, वहां क्या हुआ? घुड़सवार एक बार फिर अपनी नजरें झुका कर बोलता है, महाराज जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि आयुष्मान बाबा एक भेड़िया मानव से लड़ रहे हैं और उन्होंने अपनी तलवार से उसके दो टुकड़े कर डाले। तभी अनुरागिनी बाकी कबीले वालों को लेकर वहां पहुंच गई और मैंने उन सबको जंगल की तरफ भागते हुए देखा। सरपंच चिल्लाया, और तुम ये सूचना हमें देने के लिए आ गए? तुमने आयुष्मान की रक्षा करने की कोशिश क्यों नहीं की? सरपंच की इस बात का शायद घुड़सवार के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप सर झुकाए खड़ा रहा। सरपंच गुस्से में वहां से पैर पटकता हुआ चला गया। इधर सरपंच अपने पुत्र आयुष्मान की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। उधर आयुष्मान, नील और वन्यवती को ऋषि द्वारिका नाथ के गुस्से का सामना करना पड़ रहा था। आयुष्मान दौड़कर ऋषि के पैरों में पड़ गया और विनती करते हुए उन्हें सारी बात बताने लगा, क्षमा करें महाराज, हमने आपकी आज्ञा के बिना आश्रम की सीमा में प्रवेश किया। मेरा नाम आयुष्मान है और ये मेरी होने वाली पत्नी वन्यवती है और वो व्यक्ति मेरा मित्र है। मैं इस कबीले के सरपंच का पुत्र हूँ मान्यवर। एक बड़े षड्यंत्र के तहत हम तीनों को देश निकाला दे दिया गया है। हमारे खिलाफ कबीले वालों को भड़का दिया गया, इसलिए वो हमारी जान लेने पर आतुर थे। अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। ये बातें सुनकर ऋषि का दिल थोड़ा पसीजने लगा था। वो थोड़ा नर्म पड़े और फिर आयुष को घूरते हुए बोले, और उस काली शक्ति का क्या जो हमने यहीं आसपास महसूस की थी? आयुष्मान ने पलटकर वन्यवती और नील की तरफ देखा। अब उसके पास ऋषि को पूरी कहानी समझाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। उसने पूरी तफसील से उन्हें सारी बात बताई। उसकी पूरी बात समझने के बाद ऋषि बोले, यदि ऐसा है तो तुम तीनों को फिर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जब तक चाहो इस आश्रम में रह सकते हो। ऋषि की बात सुनकर उन तीनों ने राहत की सांस ली। अनुरागिनी यानी अनामिका भीड़ के साथ कबीले में प्रवेश कर चुकी थी। सरपंच को इसकी खबर मिलते ही उन्होंने एक आपातकालीन सभा बुला ली थी और उस सभा में अनुरागिनी को भी आना था। अनुरागिनी को देखते ही सरपंच उस पर भड़क उठे, हम सब समझ रहे हैं अनुरागिनी, तुम क्या षड्यंत्र रच रही हो? पहले तुमने अपनी बहन पर आरोप लगाया, फिर आयुष्मान को भी अपने षड्यंत्र का हिस्सा बना लिया और अब तुम कबीले वालों को भड़काकर उनकी हत्या करने का प्रयास कर रही हो। तुम आखिर चाहती क्या हो? अनामिका चुपचाप सरपंच की बात सुनती रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, आप भी कमाल करते हैं सरपंच जी, इन सारी घटनाओं से सबसे बड़ा नुकसान मुझे हुआ है। मेरा विवाह रुक गया, मेरी बहन मेरी दुश्मन बन गई। मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करने वाला आयुष्मान मेरी बहन को मेरी सौतन बनाने पर तुला हुआ है
और यदि अब कबीले वाले न्याय करना चाहते हैं तो आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। इस पर सरपंच ने अनुरागिनी को घूरते हुए कहा, हम तुम पर आरोप नहीं लगा रहे, हम वही बोल रहे हैं जो कि सत्य है। अनुरागिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप तो किसी अबोध बालक की तरह बात कर रहे हैं सरपंच जी, किंतु ये कबीले वाले अबोध बालक नहीं है। इन लोगों ने अपनी आंखों से वन्यवती के पास वो जादू की किताब देखी थी और उसने मेरी जान लेने की भी कोशिश की। मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि वन्यवती को मार डालो। तभी अचानक कबीले वाले अनामिका के पक्ष में बोलने लगते हैं। सरपंच समझ गया था कि इस समय बात को और बढ़ाना ठीक नहीं है, इसलिए वो खामोश ही रहे। अनामिका ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए सरपंच की तरफ देखा और फिर पलट कर वहां से चली गई। सरपंच बैठा हुआ खून का घूंट पीकर रह गया था। आश्रम में ऋषि अपनी कुटिया में सोने चले गए थे और नील और आयुष्मान बैठकर आपस में बातें कर रहे थे कि आगे क्या करना है। तभी वहाँ वन्यवती आती है। वन्यवती को देखते ही नील वहाँ से उठकर चला जाता है। वन्यवती आयुष्मान के पास जाती है और कहती है, ऐसा मेरी वजह से हो रहा है, मुझे तुमसे प्रेम करना ही नहीं चाहिए था। यदि मैं ना होती तो तुम और अनुरागिनी दोनों खुश रहते, मुझे मर ही जाना चाहिए था। इस पर आयुष्मान उठा और उसने वन्यवती को अपने सीने से लगा लिया। वो उसके नर्म गुलाबी होठों को चूमते हुए बोला, प्रेम पर किसी का वश नहीं होता वन्यवती, मुझे तुमसे हुआ और अनुरागिनी को मुझसे। मैं उसे सब सच बता देता, लेकिन मैं कबीले के नियम नहीं बदल सकता। मेरे पिता सरपंच हैं, उन्होंने ही अनुरागिनी को चुना था। मैं चाह कर भी उनके फैसले को टाल नहीं सकता था, लेकिन यह भी सत्य है कि मेरा हृदय बस तुम्हारे लिए ही धड़कता है। आयुष्मान के होठों से ये बात सुनते ही वन्यवती इमोशनल होकर उसके सीने से लिपट गई थी। उधर अनुरागिनी अर्थात अनामिका आश्रम की सीमा के अंदर प्रवेश करने के तरीके सोच रही थी। उसने उड़ते हुए एक बांस पर अपनी काली शक्ति से जादू किया और वो बांस अगले ही पल एक विशाल काय गरुड़ मानव में बदल गया था। अनामिका ने उस गरुड़ मानव को आदेश देते हुए कहा, तुम बिल्कुल किसी असुर की तरह लग रहे हो। अब क्योंकि तुम्हारे पंख भी हैं, तो चलो तुम्हारा नाम असुर पंख रख देती हूँ। मैं उस आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकती। उस ऋषि ने आश्रम के चारों ओर अपने तंत्र का घेरा बना रखा है, लेकिन तुम वहाँ उड़कर जा सकते हो। हाँ जाओ और वन्यवती तुम्हें जहाँ भी दिखे उसे मार डालो। ठीक उसी समय आश्रम में आयुष्मान और वन्यवती एक बड़ी सी चट्टान पर खुले आसमान के नीचे लेटे थे। आयुष्मान गहरी नींद में सो रहा था। जब वन्यवती की आंख खुली तो उसने देखा कि वो आयुष्मान के सीने पर लेटी है और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। आयुष्मान से प्यार करने के बाद उसकी भी आंख लग गई थी। वो हड़बड़ा कर उठी और अपने कपड़े पहनकर झरने पर नहाने चली गई। असुर पंख बास का रूप धारण करके उड़ता हुआ आश्रम की सीमा पार कर चुका था। उसका एक ही मकसद था, वन्यवती को ढूंढना और उसे मार डालना। उसने देखा कि नील और आयुष्मान गहरी नींद में सो रहे हैं, जबकि ऋषि अपनी कुटिया में है। वो वन्यवती की तलाश में आसमान में और ऊंचा उड़ा। कुछ ही पलों में उसकी तेज नजरों ने वन्यवती को झरने में नहाते हुए देख लिया था। वो उड़ता हुआ वन्यवती के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अपने सर पर बास को उड़ते देख वन्यवती घबरा गई थी। वो जल्दी से नहाई और चट्टानों के नीचे छिपती हुई कुटिया की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन वन्यवती नहीं जानती थी कि उसके सर पर उड़ने वाला वो बाज कोई आम बाज नहीं था, वो एक राक्षस था। अचानक वो बाज उड़ता हुआ वन्यवती के ठीक सामने आ गया। वन्यवती उसे देखते ही काफी डर गई थी और वो चीखते हुए भागने लगी। आ, आ, नहीं, नहीं। वो बाज उड़ते उड़ते अचानक अपने असली रूप में आ चुका था और एक करोड़ मानव में बदल चुका था। वन्यवती ने इतना भयंकर जीव पहले कभी नहीं देखा था। वो बेहद घबरा गई और एक चट्टान के पीछे जाकर छुप गई। वो करुण मानव यानी असुर पंख जमीन पर उतरा और वन्यवती को मारने के लिए आगे बढ़ा। वन्यवती जोर जोर से चिल्लाकर आयुष्मान को आवाज लगाने लगी थी, आयुष्मान आयुष्मान बचाओ बचाओ मुझे। क्या आयुष्मान वन्यवती की जान बचा पाएगा, जाने के लिए सुनते